भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में 98 रनों की शानदार पारी खेलने वाले शिखर धवन जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे तो उनकी नजर एक बड़े रिकॉर्ड पर होगी। धवन को वनडे क्रिकेट में अपने 6000 रन पूरे करने के लिए 94 रनों की दरकार है। गब्बर अगर दूसरे वनडे में इस खास मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो वो भारत की तरफ से विराट कोहली के बाद सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। भारत की तरफ से सबसे तेज 6000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है जिन्होंने 136 पारियों में अपने 6000 रन पूरे किए हैं। शिखर धवन दूसरे वनडे मैच में अगर 94 रन बनाने में सफल रहते हैं तो वो 138वीं इनिंग में 6000 रन पूरे कर लेंगे। धवन ऐसा करने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही वो केन विलियमसन को भी पीछे छोड़ सकते हैं जिन्होंने अपने 6000 रन पूरे करने के लिए 139 पारियां खेली थी। भारत की तरफ से अभी कोहली के बाद सौरव गांगुली सबसे तेज 6000 रन पूरे करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने अपने करियर की 147वीं पारी में 6000 रन के आंकड़े को पार किया था। T20 सीरीज में टीम से बाहर रहने के बाद पहले वनडे मैच में धवन काफी अच्छी लय में नजर आए थे और उन्होंने टीम को जबरदस्त शुरुआत भी दी थी। धवन ने रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 64 रनों की पार्टनरशिप की थी जबकि कप्तान कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रन जोड़े थे। हालांकि गब्बर अपने शतक से महज 2 रन से चूक गए थे। बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा के डेब्यू मैच में बेहतरीन गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में धूल चटाई थी। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।